हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अगला भाग। तो शुरुआत करते हैं। बद्रीनाथ के मंदिर का निर्माण गढ़वाल वंश के किस राजा के शासनकाल में हुआ माना जाता है? तो बद्रीनाथ के मंदिर का निर्माण गढ़वाल वंश के अजयपाल के शासन में माना जाता है। अगला प्रश्न है कि बद्रीनाथ से कुछ दूरी पर एक स्थान है जहाँ पर लोग पितरों का पिंडदान करते हैं, उस स्थान का नाम क्या है? तो उस स्थान का नाम है ब्रह्मकपाली। अगला प्रश्न है, जोशीमठ से 18 किलोमीटर दूर वह स्थान जहाँ भगवान विष्णु की आधी आकृति की पूजा की जाती है और ऐसी मान्यता है कि कलयुग के अंत तक बद्री विशाल लुप्त हो जाएंगे और यहाँ की मूर्ति पूर्ण हो जाएगी, वह स्थान कौन सा है? वह स्थान है भविष्य बद्री। अगला प्रश्न है, शीतकाल में कपाट बंद होने पर बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति किस स्थान पर लाई जाती है? तो बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति लाई जाती है योगधान बद्री में। अगला प्रश्न है कि पंच केदारों में निम्न में किस मंदिर की व्यवस्था केदारनाथ समिति के अधीन नहीं होती है? तो पंच केदार जो है उनमें से किस मंदिर की व्यवस्था केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन नहीं होती है? तो वह मंदिर है कल्पेश्वरनाथ। कल्पेश्वरनाथ मंदिर में जो है केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन व्यवस्था नहीं होती है। इसके अतिरिक्त किन में होती है? तो वह है मदमहेश्वरनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और केदारनाथ। ठीक है, आगे बात करते हैं। 2286 मीटर की ऊंचाई पर 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जो रुद्रनाथ मंदिर है, इसके बारे में यह मान्यता है कि शरीर त्यागने के बाद लोगों की आत्मा यहाँ की वैतरणी नदी पार करके आगे बढ़ती है। ठीक है, तो शरीर त्याग देते हैं उनके बाद उनकी आत्मा यहाँ की वैतरणी नदी को पार करके आगे बढ़ती है। तो प्रश्न यह है कि यह मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यह मंदिर स्थित है चमोली जिले में। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है जो पितृ तीर्थ भी है तथा चतुर्थ केदार के रूप में भी जाना जाता है? तो वह क्षेत्र है रुद्रनाथ। रुद्रनाथ ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध है तथा यह चतुर्थ केदार के रूप से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस केदार के बारे में यह मान्यता है कि यहाँ कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर उर्वशी तथा दुर्वासा ऋषि द्वारा तपस्या की गई थी? तो उर्वशी तथा दुर्वासा ऋषि द्वारा तपस्या की गई थी, वह स्थान है कल्पेश्वर। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि किस स्थान के बारे में यह मान्यता है कि शरद ऋतु में भगवान विष्णु यानी बद्रीनाथ यहाँ निवास करते हैं? तो वह स्थान है जोशीमठ। अगला प्रश्न है कि 2005 में विश्व धरोहर समिति के द्वारा उत्तराखंड के किस स्थल को विश्व की धरोहरों की सूची में शामिल किया गया था? तो वह स्थल था फूलों की घाटी। इसे 2005 में विश्व धरोहर समिति द्वारा विश्व की धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि मदमहेश्वरनाथ में शिव जी के किस अंग की पूजा होती है? तो मदमहेश्वरनाथ में शिव जी के नाभि की पूजा होती है। अगला प्रश्न है कि किस स्थान को सुदर्शन क्षेत्र या फिर इंद्रप्रस्थ भी कहा जाता है? तो देवप्रयाग स्थान जो है इसे सुदर्शन क्षेत्र या इंद्रप्रस्थ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खोह नदी के दाई ओर बसा नगर जिसके पास में मोरध्वज का किला भी स्थित है, कौन सा है वह नगर? वह नगर है कोटद्वार। ठीक है, ये खोह नदी के दाई ओर है और मोरध्वज के किले के पास में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस स्थान के बारे में यह मान्यता है कि माता सीता यहाँ कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन धरती की गोद में समा गई थी? कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन, तो वह स्थान है कोट महादेव। कौन सा स्थान है? कोट महादेव। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर स्थित है? तो कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर निम्न में से तवाघाट नामक स्थान सबसे कम दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित वह स्थान जहाँ से ऊनी वस्तुएँ कालीन और जड़ी बूटियाँ मिलती हैं? तो पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर वह स्थान है मुनस्यारी। आगे बात करते हैं, महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो महात्मा गांधी ने कौसानी नामक स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। निम्न में से कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है? तो वह नदी है मंदाकिनी नदी। यह नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है। अगला प्रश्न है कि छिपला केदार मंदिर किस जिले में स्थित है? तो छिपला केदार मंदिर स्थित है पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है कि ऋषिकेश से 15 किलोमीटर दूर स्थित मणिकूट पर्वत पर कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? तो मणिकूट पर्वत पर स्थित है नीलकंठ मंदिर। ठीक है, ऋषिकेश से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है मणिकूट पर्वत पर कौन सा मंदिर? नीलकंठ मंदिर। अगला प्रश्न है कि ऋषिकेश में स्थित मुनि की रेती किस जिले के अंतर्गत है? तो मुनि की रेती है टिहरी के अंतर्गत। ठीक है, टिहरी जिले में आता है मुनि की रेती, यह ऋषिकेश में स्थित है। आगे बात करते हैं, महाकाली शक्तिपीठ किस जिले में स्थित है? तो महाकाली शक्तिपीठ स्थित है पिथौरागढ़ जिले में। अगला प्रश्न है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति को किस कुंड से निकाला था? तो जो बद्रिकाश्रम में मूर्ति स्थापित है इसे आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा नारद कुंड से निकाला गया था।
आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि रघुनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? रघुनाथ मंदिर स्थित है टिहरी जिले में। अगला प्रश्न है कि राज्य में किस वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो राज्य में केदारनाथ वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, केदारनाथ वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।